हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। देखो, जब भी गर्मियों की बात आती है हमारे यहाँ पर तो टेम्परेचर काफी तगड़े वाला हो रखा है। इन द सेंस तगड़े वाला आप गैस मार सकते हैं कि भाई दिल्ली में तो 50 टच कर रहा है टेम्परेचर। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अराउंड अबाउट 42 to 46, ये एवरेज टेम्परेचर आजकल रह रहा है। और दो दिन से इतनी आंधी तूफान चली है, तो मतलब आंधी तूफान चलने का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल कैसा गर्मी से बुरे हाल हो रखे हैं। तो इस समय टाइम क्या हुआ है, इस समय 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 हुआ है, इस समय 1:22 और गर्मी इतनी प्रचंड रूप से पड़ रही है कि पूछो मत। जब भी पढ़ने की बात आती है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, जैसे कोई मेहनत कर रहा है, तो उसके घर वाले प्रॉपर उसका इंतजाम करते हैं कि हाँ भाई हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ पाए और उसको पढ़ने में या किसी भी चीज में दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप सभी के लिए भी कोई ना कोई सहूलतें जो है वो लगा रखी होंगी। किसी के घर वालों ने एसी लगा रखा होगा, किसी के घर वालों ने बढ़िया उनके कमरे का अच्छा वेंटिलेशन कर रखा होगा। सब कोई तो एसी नहीं लगा सकते, ठीक है, पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपके लिए आपके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस मैटर करता है। और यही सबसे बड़ी कहानी होती है, बाकी तो पढ़ तो सभी रहे हैं पर मेहनत कोई कोई कर रहा है। तो 1000 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो 1000 बच्चे में से सारे पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई घर वाले बोलेंगे कि तेरे को कोचिंग में बिठाया है, तेरे को ऐसे करा है। तो ये सभी लोगों के साथ हो रखा, पर एक्चुअल में जो मेहनत करते हैं वो एग्जाम की तारीख नहीं देखते हैं, एग्जाम की डेट नहीं देखते हैं, वो फॉर्म नहीं देखते कि फॉर्म कब निकलेगा। पर चलो, सुक्कू सरकार ने तो उसमें भी बेशर्मी की हदें पार कर रखी हैं। पर वो बच्चे अभी भी मेहनत कर रहे हैं जिनको आया फाइनल डेस्टिनेशन उनका कि हाँ भाई जॉब ही हमने लेनी है। तो दोज गाइज आर डूइंग फुल टू फटाक मेहनत, उनको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। उनके अंदर मोटिवेशन पहले से है और वैसा ही मोटिवेशन तुम लोगों ने अपने अंदर भी रखना है कि हाँ अगर हमारे घर वालों ने पैसा खर्चा है तो उसको हमें यूटिलाइज करना है, अपने यूटिलाइज करना है। सही है, कई लोग बाहर जाते हैं दिल्ली चंडीगढ़, अपना पैसा वेस्ट करके आते हैं, वहाँ पे खूब मजे करके आते हैं, फिर बोलते हैं कि यार हमें ना यहीं पर जॉब मिल गई, चंडीगढ़ में ही जॉब मिल गई हमें। तो मसले चेंज हो जाते हैं, मोटिव्स चेंज हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब करने गया था, नहीं मिल रही गवर्नमेंट जॉब, उसमें लोगों के गोल्स चेंज हो जाते हैं। तो गोल मत चेंज करिए, ठीक है, अगर स्टेट की नहीं निकल रही है तो नेशनल के लिए ट्राई करिए, कुछ ना कुछ करिए। और सभी चीजों के लिए एक ही उदाहरण है, खजूरिया पाठशाला, ठीक है, तो यही है बराबर। तो अभी मैं मार्केट में आया हूं और कुछ सामान लेना है, फिर उसके बाद घर को जाना है, फिर उसके बाद शाम को ऑफिस जाएंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहां भी आपको दिखाएंगे।